मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ओके, इन टुडेज वीडियो वी विल बी रिवाइजिंग सम कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. चिल्ड्रन, टेक आउट योर सनशाइन बुक एंड ओपन टू पेज नंबर 84. टुडेज टॉपिक इज हेल्प अदर्स एंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द टॉपिक हेल्प अदर्स. मतलब हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए. तो आज ये पेज जो है उसका हम पहले पिक्चर टॉक करेंगे. ओके चिल्ड्रन, आर यू रेडी? लुक एंड टॉक. पहले हमें ये पिक्चर को देख के उसके बारे में बातें करनी है. लुक एट द पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट देम. ये जो पिक्चर्स दिए हैं उसको हमें देख के उसके बारे में बातें करनी है. ओके, ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है और ये गर्ल क्या कर रही है? बॉय जो है वो गर्ल को पूछ रहा है, प्लीज कैन आई प्ले विथ योर टॉयज? क्या पूछ रहा है? प्लीज कैन आई प्ले विथ योर टॉयज? उसने क्या बोला है? प्लीज. तो कितनी गुड मैनर्स है. हमें अगर किसी से कुछ चाहिए तो हमें क्या कहना है? प्लीज. तो वो गर्ल को पूछ रहा है, क्या मैं आपके टॉयज से खेल सकता हूँ? तो गर्ल ने रिप्लाई दिया, यस यू कैन. क्या कहा उसने? यस यू कैन, आप मेरे टॉयज से खेल सकते हो. और उसके पास टॉयज में क्या क्या है? ट्रेन है, कार है, डॉल है, टेडी बेयर है, बॉल भी है और क्यूब है. कितने सारे टॉयज है और उसके बॉल में कौन से कलर्स है? देखो, ब्लू, रेड, पर्पल, येलो एंड ग्रीन. और उसकी जो डॉल है उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? ब्लू एंड रेड. और उसकी कार कौन से कलर की है? रेड कलर. और जो ट्रेन का इंजन है वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर. और उसके व्हील्स देखो कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के. तो ये जो बॉय है उसने क्या पूछा? प्लीज कैन आई प्ले विथ योर टॉयज? क्या मैं आपके टॉयज से खेल सकता हूँ? और लड़की ने जवाब दिया, यस यू कैन, हाँ आप खेल सकते हो. अभी हम दूसरा पिक्चर देखेंगे. दूसरे पिक्चर में एक गर्ल है, उसकी बुक्स गिर गई है और ये जो बॉय है उसने उसे उठा के दिया. तो गर्ल ने क्या कहा? थैंक यू. और बॉय ने कहा, यू आर वेलकम. तो दोनों को अच्छी मैनर्स है ना. देखो, जो गर्ल ने बुक्स ली वापस, उसने बॉय को बोला थैंक यू. हमें अगर कोई मदद करता है, हमारा कोई काम करता है, तो हमें उनसे थैंक यू कहना है. और बॉय ने जवाब दिया, यू आर वेलकम, है ना. तो देखो, अभी हम देखेंगे कि जो बुक्स है
वो कौन से कलर की है? ग्रीन कलर एंड पिंक कलर। और गर्ल ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? रेड कलर का टी शर्ट एंड पर्पल कलर का पैंट। और बॉय ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? येलो कलर का टी शर्ट एंड ब्लू कलर का पैंट। तो आज ये पिक्चर में हमने गुड हैबिट्स का भी रिविजन किया और कलर्स का भी रिविजन किया। हमने ये पिक्चर के बारे में अच्छी अच्छी बातें की, पिक्चर टॉक किया ना। आप भी अपने मम्मी पापा को ये पिक्चर दिखा के उसके बारे में कुछ बोलना। आपको पिक्चर में जो दिखाई देता है उसके बारे में आपके मम्मी और पापा से बातें शेयर करना। नाउ चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 87। वी विल बी रिवाइजिंग सम ऑपोजिट्स। क्या करने वाले हैं ये पेज में हम? ऑपोजिट्स। ओके, हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में ऑपोजिट्स कर लिए हैं, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, कौन से ऑपोजिट्स करने वाले हैं? हैप्पी सैड। हैप्पी का ऑपोजिट है सैड। और दूसरा है फुल एम्प्टी। दूसरा ऑपोजिट है फुल एम्प्टी। हैप्पी मतलब क्या? खुश। और सैड मतलब क्या? दुखी। वैसे ही दूसरा ऑपोजिट है फुल एंड एम्प्टी। फुल मतलब पूरा भरा हुआ और एम्प्टी मतलब खाली। तो चलो शुरू करते हैं। लुक, लिसन एंड रिपीट। तो चलो फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। अरे वाह, ये लड़की कितनी खुश है। देखा कैसी है वो? हैप्पी है। कैसी है? हैप्पी। और ये बॉय कैसा है? उसका फेस देखो, सैड है, दुखी है। कैसा है? दुखी। हैप्पी सैड, इसका फेस हैप्पी है। ये गर्ल बहुत ही खुश है और ये बॉय सैड है, दुखी है। तो हैप्पी का ऑपोजिट है सैड, खुश और दुखी। अभी हम जाएंगे दूसरे ऑपोजिट पे। नेक्स्ट ऑपोजिट इज फुल और उसका ऑपोजिट एम्प्टी। फुल मतलब पूरा भरा हुआ। देखो ये ग्लास कैसा है? फुल, पूरा भरा हुआ है। और ये ग्लास कैसा है? एम्प्टी मतलब खाली हो गया है। इसमें जो दूध है वो खत्म हो गया, इसमें खत्म होके ये ग्लास खाली हो गया। तो फुल का ऑपोजिट है एम्प्टी। फुल एम्प्टी, भरा हुआ खाली। ये भरा हुआ है और ये खाली है। ओके, दूसरे अभी हम ऑपोजिट्स का रिवीजन करेंगे। बिग एंड स्मॉल। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। बिग एंड स्मॉल। क्लीन एंड डर्टी। क्लीन मतलब एकदम साफ और डर्टी मतलब गंदा। क्लीन का ऑपोजिट है डर्टी और बिग का ऑपोजिट है स्मॉल। देखो हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये क्या है? एक बड़ा सा एलिफेंट है। एलिफेंट कैसा है? बिग। बिग मतलब बड़ा सा। बिग मतलब बड़ा।
एलिफेंट इज बिग। और ये क्या है? रैट कैसा है? स्मॉल, छोटा सा। ये बिग है और उसका ऑपोजिट है स्मॉल, बड़ा सा एलिफेंट और छोटा सा रैट। बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल, बड़ा छोटा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ऑपोजिट, क्लीन एंड डर्टी। क्लीन देखो कितना साफ है, उसके कपड़े एकदम क्लीन क्लीन है और फेस भी क्लीन है। आप जब नहा के निकलते हो तो एकदम क्लीन क्लीन हो जाते हो, है ना? और देखो क्लीन क्लीन कपड़े भी उसने पहने हैं। और ये जो है उसने कपड़े कैसे पहने हैं? उसके कपड़े डर्टी है, गंदे हैं। आप जब बाहर खेल के आते हो तो आपके कपड़े कैसे हो जाते हैं? डर्टी, गंदे हो जाते हैं ना। और देखो फेस पे भी सब मिट्टी लगी है, तो ये गर्ल के कपड़े फेस पूरा कैसा हो गया है? डर्टी। क्लीन एंड डर्टी, साफ और गंदा, एकदम क्लीन और डर्टी। ये बॉय कैसा है? क्लीन। और ये गर्ल कैसी है? डर्टी। टर्न योर पेज चिल्ड्रन एंड वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू ऑपोजिट्स। ओके, तो आप रेडी हो? तो चलो, लुक एंड टिक, मतलब आपको पिक्चर्स देखने हैं और फिर आपको टिक करना है। ओके, टिक राइट द क्लीन डॉग। इसमें ये पिक्चर में हमें क्या करना है? दो डॉग्स दिए हुए हैं, उसमें से जो क्लीन डॉग है उसके ऊपर हमें राइट लगाना है। तो ये डॉग कैसा है? देखो डर्टी है, सब गंदा हो गया है पूरा। उसके ऊपर देखो कितना गंदा कचरा लगा हुआ है, है ना? और ये डॉग कैसा है? क्लीन है, देखो एकदम साफ है, क्लीन। तो हम ये वाइट डॉग के बाजू में टिक करेंगे। ओके, टिक द वाइट डॉग। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर, टिक राइट द बिग एनिमल। क्या करना है हमें? जो बिग एनिमल है, बड़ा सा, उसको हमें टिक करना है। ये किसका पिक्चर है? जिराफ। और ये किसका पिक्चर है? देखो छोटी सी चिड़िया, है ना? तो इसमें से बिग कौन है? जिराफ की चिड़िया। हाँ, जिराफ बिग है ना, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, टिक हियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर, टिक राइट द हैप्पी चाइल्ड। वी हैव टू फाइंड कि ये दो पिक्चर में से हैप्पी कौन है, गर्ल या बॉय। चलो देखें, ये गर्ल कैसी है? हैप्पी। और ये बॉय कैसा है? सैड, दुखी है ना? तो हमें किससे टिक करना है? वी हैव टू टिक हियर, गर्ल के बाजू में टिक करेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर, टिक राइट द एम्प्टी प्लेट। हमें जो प्लेट एम्प्टी है उसे टिक करना है। ये प्लेट में क्या है? मैंगोज। आपको अच्छी लगती है ना? ये प्लेट पूरी मैंगोज से फुल है। और ये प्लेट में
कुछ भी नहीं है। ये प्लेट कैसी है? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। हमें किसे टिक करना है? एम्प्टी प्लेट को। सो टिक हियर। के हमने ऑपोजिट्स की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो अब सुनते हैं द लिटिल रेड हैन की स्टोरी। अभी स्टोरी टाइम। ये द लिटिल रेड हैन। लिटिल रेड हैन वॉज हंग्री। She wanted to bake some bread. For the bread, she needed wheat. She decided to ask her friends to help her. She called out to her friend, the parrot, "Will you help me cut the wheat?" "Not me," said the parrot. "I have to rest." Little Red Hen cut the wheat alone. Now she wanted some flour, so the wheat had to be taken to the mill. She called out to her friend, the duck, "My friend, will you help me take the wheat to the mill?" "Not me," said the duck. "I have to clean my house." Little Red Hen took the wheat to the mill. She brought the flour home. Now, Little Red Hen had to bake the bread. So she called out to her friend, the peacock, "Dear friend, will you help me bake the bread?" The peacock replied, No, I am reading a book. I can't help you." Little Red Hen baked the bread. Then, as she sat down to eat, she called out, "Who will help me finish this bread?" Little Red Hen's friends could not say anything. They were ashamed. The peacock said, "We are very sorry, friend. Had we helped you, you would not have been tired, and the bread would have been made sooner." The parrot and the duck said, "We are very sorry. Please forgive us." The little red hen was kind. She smiled and said, "Come, friends, let us eat together." Children, we will be learning a new rhyme today. Let's read, watch the rhyme, then sing along with actions. Okay, rhyme ka naam kya hai? Miss Polly had a dolly. Okay, Miss Polly hai, uske paas ek dolly hai. To aaj hum ye rhyme karne wale hai. ओके मिस पॉली हैड अ डॉली हु वाज सिक 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 सो शी कॉल फॉर द डॉक्टर टू बी क्विक क्विक क्विक. देखो ये मिस पॉली है और ये उसकी डॉली है. वो बीमार हो गई है इसलिए वो डॉक्टर को फोन करती है और उससे कहते हैं, जल्दी आइए, मेरी डॉली बीमार हो गई है. द डॉक्टर केम विथ हिज बैग एंड अ हैट एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर विथ अ रैट टैट टैट. डॉक्टर आए और हैट पहन के आए और हाथ में बैग लेके आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया. ही लुक्ड at the dolly and he shook his head and he said, "Miss Polly,
put her straight to bed. डॉक्टर ने उसकी डॉली को देखा और बोला कि वो बीमार हो गई है. उसने अपना सिर हिलाया और बोला उसे सीधा बेड में सुला दो. He wrote on a paper for a pill, pill, pill. I'll be back in the morning with my bill, bill, bill. उसने पॉली को बोला कि मैं पेपर पे ये दवाई लिख देता हूँ और I will be back in the morning. मैं सुबह में वापस आऊंगा मेरा बिल लेके. ओके, सो नाउ लेट्स सिंग द राइम अगेन. मिस पॉली हैड अ डॉली हु वाज सिक, सिक, सिक. सो शी कॉल्ड फॉर द डॉक्टर टू बी क्विक, क्विक, क्विक. द डॉक्टर केम विथ हिज बैग एंड अ हैट and he knocked on the door with a rat tat tat. He looked at the dolly and he shook his head and he said, Miss Polly, put her straight to bed. He wrote on a paper for a pill, pill, pill. I'll be back in the morning with my bill, bill, bill. तो हमने आज नई राइम करी और अभी हम उसके रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द राइम फॉर द फॉलोइंग. तो हमें ये फोर वर्ड्स दिए हैं, उसके हमें ये जो राइम है उसमें से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. फर्स्ट वर्ड है पॉली, पी ओ डबल एल वाई, पॉली. अभी ये राइम है उसमें उसका राइमिंग वर्ड क्या है? पॉली का राइमिंग वर्ड है डॉली, तो हम डॉली को अंडरलाइन करेंगे. ओके, आपको ऐसी डॉली के नीचे एक लाइन बनानी है. सेकेंड वर्ड है सिक, एस आई सी के, सिक. उसका राइमिंग वर्ड क्या है? क्विक, क्यू यू आई सी के, क्विक. राइमिंग वर्ड मतलब जो वर्ड सिमिलर साउंड के होते हैं. नाउ द थर्ड वर्ड इज हैट, एच ए टी हैट. तो हमें हैट का राइमिंग वर्ड ढूंढना है. हैट का राइमिंग वर्ड क्या है? रैट, आर ए टी रैट. तो रैट के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. एंड द लास्ट वर्ड इज पिल, पी आई डबल एल, पिल. पिल मतलब दवाई, दवा की गोली. और उसका राइमिंग वर्ड है बिल, बी आई डबल एल, बिल. ओके, सो हमने पॉली, सिक, हैट और पिल चारों के राइमिंग वर्ड राइम में से ढूंढ के उन्हें अंडरलाइन किए हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स. चलो देखते हैं थोड़े से कम्युनिटी हेल्पर्स कौन से होते हैं.
Okay, children. Now we will be meeting in our next class. Bye-bye.